फ्रेंड्स, अगर आप भी टेलीग्राम चलाते होंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी को पर्सनल में कोई मैसेज भेजते हैं तो वहां पे डबल टिक करके आ जाता है जो ब्लू कलर का होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अगले वाले ने आपका मैसेज रीड कर लिया है। लेकिन अगर क्या हो, अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो और वहां पे आप कोई मैसेज करें और आपको पता करना है कि आपको वहां पे उस मैसेज को कितने लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि सभी ग्रुप के मेंबर एक्टिव तो रहेंगे नहीं, जो आपके मैसेज सभी पढ़ लेंगे और एक साथ वहां पे ब्लू टिक आ जाएगा, क्योंकि जब तक सभी ग्रुप के मेंबर आपके मैसेज को नहीं पढ़ लेते हैं वहां पे ब्लू टिक दिखेगा नहीं, और ब्लू टिक नहीं दिखेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों ने आपके मैसेज को रीड कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो एडमिन होते हैं ग्रुप के, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करते हैं सबके लिए, और कुछ लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज को सीन करके इग्नोर कर देते हैं और बाद में पूछने पे बोलेंगे कि मैंने तो आपका मैसेज देखा ही नहीं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप ट्रैक करना चाहते हो और आप चेक करना चाहते हो कि आपके मैसेज को कितने लोगों ने रीड कर लिया है और उसका लिस्ट भी देखना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एम जी टेक हिंदी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं यही आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेलीग्राम ग्रुप के जो मैसेज हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने उस मैसेज को रीड कर लिया है। सो फ्रेंड, चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ से अपना जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर लिया है और साइड में आपको इसका स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं एक यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद से मैं एक मैसेज यहाँ पे किया हूँ कंग्रेचुलेशन का, ठीक है, और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इसको देख लिया है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही आप इसको हल्का सा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि 8 लोगों ने इस मैसेज को सीन कर लिया है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे इस ग्रुप में आप चेक करोगे तो टोटल 76 मेंबर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कितने लोगों ने इस मैसेज को सीन किया, तो 8 मेंबर ने इस मैसेज को सीन कर लिया है। और आपको देखना है इसका लिस्ट कि जो लोगों 8 लोगों ने आपकी मैसेज को रीड किया है उसमें से कौन कौन से लोग हैं जो आपको मैसेज को पढ़े हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे जो डबल टिक लगा हुआ है और उसके आगे 8 सीन लिखा है उसको क्लिक करना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं यही सारे मेंबर हैं जो आपके मैसेज को रीड कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और दिखाऊँगा, एक और ग्रुप है जहाँ पे 219 मेंबर हैं और मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया है, मैंने ऐसे टेम्परेरी मैसेज किया था चेक करने के लिए ताकि वीडियो मैं शूट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि एक ग्रुप में आया, एक ग्रुप में नहीं आया, क्या यहाँ पे किसी ने सीन ही नहीं किया? ऐसा नहीं है सो दोस्त, आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर कि 9 ऑनलाइन है, तो जो ऑनलाइन है उन्होंने तो आपको मैसेज सीन ही किया होगा ना, एटलीस्ट एक लोगों ने तो आपका मैसेज सीन किया होगा, तो फिर यहाँ पे वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? सो फ्रेंड, इसका सीधा सीधा मैं फंडा आपको बता दूं कि जब भी आपके ग्रुप में 100 या 100 से कम मेंबर होंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जिस भी ग्रुप में आपके जो ग्रुप है, अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा मेंबर होंगे, अब ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हुए तो वहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो सीन करने वाला ऑप्शन है वो नहीं दिखेगा। और ये जो इसका जो नियम है वो टेलीग्राम की तरफ से ही है, मैंने ट्वीट किया था टेलीग्राम को तो ये चीज़ मुझे पता चली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है और काफ़ी लोगों का वहाँ पे मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में कितने लोगों ने मेरा मैसेज को सीन किया है। तो इसका सीधा सा फंडा यही है कि अगर आपके ग्रुप में 100 से कम मेंबर हैं तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे कि मैसेज आप ही का हो, ऐसा नहीं हो कि किसी के भी मैसेज को आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने पढ़ा है, वो मैसेज आप ही का होना चाहिए। आप अगर उस मैसेज को देखना चाहते हो, अगर आपका मैसेज पे कितने लोगों ने सीन किया है तभी आप देख सकते हो। सो फ्रेंड, ये दो चीज़ है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ देख लूँ, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड, कई सारे लोगों का मैसेज ये आया था मेरे पास कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर 100 से कम मेम्बर हैं। मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया था कि 100 से अगर ज़्यादा आपके पास मेंबर होंगे तो ये सीन नहीं देख पाओगे आप कि कितने लोगों ने आपके मैसेज को सीन किया है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही आया कि मेरे
जो टेलीग्राम चैनल है उस पे 100 से कम है, फिर भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसका रीजन यही था कि टेलीग्राम चैनल पे नहीं होगा, टेलीग्राम के ग्रुप में होगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में आपको अंतर पता होगा, डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो फ्रेंड, यह है टेलीग्राम का एक अपडेट, काफ़ी पुराना अपडेट है लेकिन बहुत सारे लोग इससे अभी अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं कि इसको कैसे यूज करें। तो यही तरीका है यूज करने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड, अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट लगता है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है तो टेलीग्राम अपडेट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको दिखना चाहिए। फिर भी आप कहीं पे स्टक होते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।